मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक सिद्धपीठ बाबा गोविंद साहब के मेले का आज फीता काटकर जिला पंचायत अध्यक्ष सुधीर सिंह मिंटू जी और यहां की क्षेत्रीय विधायक अनिता कमल जी ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। बात हो रही है जिला पंचायत अध्यक्ष जी से। ये बताओ कि इस स्थान की ऐतिहासिक महत्ता के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जहाँ तक हमको 5 साल का अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे जनपद का ही नहीं, अभी पूरे प्रदेश और देश का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। बहुत सिद्ध स्थान है। यहाँ आके हमको और हमारे क्षेत्रवासियों को या प्रदेशवासियों को बहुत ही शांति मिलती है। ये बहुत ही सिद्ध स्थान है और जो भी यहाँ आके गया है, जब भी उससे बात हुई है तो बताता है कि हमारी जो भी मनोकामना रही है वो सत्य गोविंद बाबा की कृपा से पूरी हुई है। अभी कुछ श्रद्धालुओं द्वारा आपके मेला विभाग संबंध में शिकायत की गई, उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी हमें कोई जानकारी इस विषय पर नहीं है। हम तक पहुँचेगी तो 231वां शुभारम्भ आज आपने किया है तो, और सामने इसमें काफ़ी कोरोना का महाकाल देखा जा रहा है, तो इस चीज़ से निपटने के लिए प्रशासन किस प्रकार का यहाँ पे सारे व्यवस्था को किया गया है? मेला स्थगित करने की स्थिति बन गई थी, थोड़ा बहुत कार्रवाई हो भी चुकी थी, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से और कोविड के नियमों को पूरी तरह से पालन करते हुए ये तय हुआ है कि हम लोग इस मेले को स्नान रोक के और रात्रि का मेला रोक के दिन का मेला कराएंगे और कोविड नियमों का पूरी तरह पालन कराएंगे। यहाँ का स्नान तो बहुत ही पवित्र माना जाता है और स्नान ही पूजा का मुख्य देश माना जाता है, तो स्नान को रोक देने से ही श्रद्धालुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? स्नान रोकने का जो कारण है क्योंकि ये बंधा हुआ पानी है और उससे संक्रमित होने का खतरा ज़्यादा है, पहले सुरक्षा जरूरी है, इसकी वजह से स्नान रोका गया है। श्रद्धालु इसमें सहयोग करेंगे, जनमानस सहयोग करेगा, ये उनके लिए ही किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा का दर्शन करेंगे वो और बिना स्नान के इस बार 231वें उसको मनाएंगे अपना गोविंद दशमी को, यही हमारी सबसे उम्मीद है कि हमारा साथ देंगे सर। तो इसमें इस मेले में क्या क्या चीज़ें बैन की गई हैं, रोकी गई हैं? इस मेले में रात्र का मेला बैन किया गया है। इस मेले में जहां कोविड का पालन नहीं हो सकता वो चीज़ें बैन कराई गई हैं, बाकी दुकान और बाकी चीज़ें चलेंगी। और प्रशासन किस प्रकार से कोरोना काल में निपट रहा है? प्रशासन इसमें अच्छी से अच्छे तरीके से व्यवस्था कर रखी है। स्वास्थ्य विभाग से लेकर सभी विभागों की अलग अलग जिम्मेदारी तय की गई है, सारे लोग अपनी जिम्मेदारी पर बखूबी मजबूती से बैठे दिख रहे हैं, काम करते दिख रहे हैं। जिस हिसाब से ठंडक पड़ रही है, ठंडक को देखते हुए इस मेले में क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था अलाव वगैरह की व्यवस्था की गई? हाँ बिल्कुल, अलाव की व्यवस्था जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जाती है और उसकी बेहतर तरीके से निगरानी की जाती है। आज आगाज हुआ है, आपने फीता काटकर अध्यक्ष जी के साथ उद्घाटन किया है, मेले की महत्ता के बारे में क्या बताएं? जो हम लोगों ने सुना है कि जो यहाँ भी विश्वास किया है, अवश्य सफलता पाया है और सुखी अनुभव किया है, तो इसीलिए आज मेले का उद्घाटन हुआ, सौभाग्य हुआ कि हम लोगों ने फीता काट का उद्घाटन किया है। लेकिन प्रशासन की तरफ से हम सभी लोग निवेदन किए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मेला कार्य सम्पन्न हो, ऐसा सभी लोगों से निवेदन किया है और विश्वास है कि सभी लोग बताए गए नियमों का पालन करेंगे ताकि वैश्विक महामारी कोरोना से बच सके और स्वस्थ रहें। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।